थानाकांट क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला को तमंचे से गोली लग गई। गोली लगते ही महिला जमीन पर गिर गई। आनन फानन में महिला को कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। दरअसल मामला थानाकांट क्षेत्र के सेंट पॉल स्कूल का है। स्कूल में एक चौकीदार है जो रात में ड्यूटी करता है। सुबह होते ही जब पीड़ित महिला कमरे की सफाई करने स्कूल में आई तो महिला को चौकीदार के बिस्तर से लोड तमंचा मिला। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक महिला के तमंचा हाथ में लेते ही गोली चल गई और वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गई। किसी ने सूचना पुलिस को दी। गंभीर हालत में महिला को मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। सही, सेंट पॉल स्कूल में जो घटना हुई किस तरह पाई है? ये आज सुबह 6 बजे थाना कांट क्षेत्र में एक सेंट पॉल स्कूल है, जहाँ पे चौकीदार चरण सिंह रात को चौकीदारी करता था। वह अपने पास एक नाजायज तमंचा रखे हुआ था बिस्तर में। सुबह उसकी पत्नी आई, झाड़ू लगाने लगी और उसको बिस्तर को फटकारा तो तमंचा, लोड तमंचा फटकारने के साथ फर्श में गिर गया और वो चल गया। गोली उसकी घरवाली जयश्री के जबड़े को भारती हुई पार हो गई। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी चरण सिंह के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है, तमंचा मौके से बरामद कर लिया है और पीड़िता जयश्री का इलाज कॉस्मोस अस्पताल में चल रहा है मुरादाबाद, और इस समय वो खतरे से बाहर है।